एक भारतीय महान भारतीय इस परीक्षा में पास हो गए, उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गलती से पास हो। गलती क्या थी? नेताजी को मालूम नहीं था कि यह परीक्षा क्यों होती है और कलेक्टर का काम क्या होता है। जब वो पास किया तब पता चला कि यह तो लूटने का सारा बिजनेस है। हुआ यह था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। वो बेटे को बार बार कहते थे कि तुमको कलेक्टर होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे पिता कहते हैं, हर पिता का सपना है बेटा कलेक्टर बने, कलेक्टर बने, कलेक्टर बने। तो उस जमाने में भी था, क्योंकि लूटने को सबसे ज्यादा तो यही मिलता है ना। हर एक पिता ये चाहता है भगत सिंह पड़ोस के घर में हो, मेरा बेटा तो कलेक्टर हो। ऊधम सिंह पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा तो कलेक्टर बने, लूट लूट के लाए घर में भरे। तो जानकीनाथ बोस का भी यही सपना था, मेरा बेटा कलेक्टर बने। और बेटा का पिता से झगड़ा चलता था। वो कहते थे मुझे तो भारत माता की सेवा करनी है, और वो कहते नहीं तुमको कलेक्टर बनना। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने अपने बेटे को टॉन्ट कस दिया, चिढ़ा दिया, और ये कहा कि तू कलेक्टर बन नहीं सकता, परीक्षा पास नहीं कर सकता, इसलिए बोलता है कि नहीं बनना, नहीं बनना। तो बेटे को ये बात चुभ गई। उन्होंने उसी दिन अपना ब्रीफकेस उठाया, लंदन चले गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये 1921 की कहानी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 8 महीने के अंदर परीक्षा पास की उन्होंने, और परीक्षा पास नहीं की, टॉप किया। मेरिट लिस्ट में उनका 4th स्थान था, 4th पोजीशन थे। किसी भारतवासी को कभी भी कलेक्टरी की परीक्षा में मेरिट नहीं आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले एक भारतवासी और थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी, अरविंदो घोष। लेकिन अरविंदो घोष की मेरिट नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेरिट आई थी। अरविंदो घोष ने परीक्षा पास की थी और मेरिट में उनका नंबर शायद 246वां या ऐसा कुछ था। नेताजी सुभाष का 4th स्थान था। 8 महीने में परीक्षा पास की थी और अंग्रेजों के सब्जेक्ट लेकर परीक्षा पास की थी। इंडियन सब्जेक्ट नहीं लिए थे उन्होंने, यूरोपियन हिस्ट्री लिया था उन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के लिए, और उसमें मास्टरी करी, परीक्षा में 4th पोजीशन आई, कलेक्टर हो गए। होने के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो सारा कमीशन खोरी का बिजनेस है। उनको कहा गया कि तुमको भारत में पोस्टिंग मिलेगी, इतना लूटना है, उसमें इतना तुम्हारा कमीशन होगा, और हर बार पोस्टिंग में तुम्हारी तरक्की होती जाएगी, तुम जितना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट लूट के दोगे उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन होगा। नेताजी सुभाष ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, और उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया, रिज़ाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने पिता से ये कहा कि मैं भारत माता के लोगों को लूट नहीं सकता, और ये पूरी नौकरी लूट करने के लिए है, मैं नहीं जा सकता इस नौकरी। इस्तीफा दे के वापस आए, और वापस आने के बाद की कहानी आप सब जानते हैं, उन्होंने भारत में क्या क्या किया, और अंत में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और अंग्रेजों को भारत से भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था।